गाइस स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम संजीव रंजन है, मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीएचएसएल 2012, ग्रेजुएट लेवल एफसीआई 2012 एंड केवीएस ऑल इंडिया रैंक 32 में फाइनली सिलेक्ट हो चुका हूं। गाइस 6+ इयर्स का एक्सपीरियंस, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये करंट जो लॉकडाउन है इस कारण से रिशफलिंग कितना होगा, यानी कि जो एग्जाम अभी पाइपलाइन में थे वो कितना आगे बढ़ेगा। अभी हाल फिलहाल मैंने कई सब्सक्राइबर्स के साथ फोन पे बात किया और वहां से कई सारे क्वेश्चंस आए मुझे रिशफलिंग को लेकर। गाइस रिक्रूटमेंट को थोड़ा समझते हैं, एसएससी कैसे रिक्रूट करती है, और उसके बाद मैं आपका जवाब देता हूं कि कितना आगे बढ़ेगा। रिक्रूटमेंट बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है गाइस, जितना आसान आपको दिखता है उतना कतई नहीं है। रिक्रूटमेंट से पहले बहुत मेहनत का काम या बहुत ही मेहनत लगता है। ये सबसे पहला जो काम होता है गाइस किसी भी रिक्रूटमेंट में वो है बजट एलोकेशन। करोड़ों खर्च करना पड़ता है भारत सरकार को सिर्फ एक रिक्रूटमेंट के लिए। सो गाइस करोड़ों के खर्च के लिए बहुत सारे इंतजाम, बहुत सारे एक ऑफिशियल प्रोसेस से गुजरना होता है। इस करोड़ों के बजट एलोकेशन में बहुत टाइम लगता है गाइस। अब चूंकि लॉकडाउन हो चुका है, लॉकडाउन में जो उनका पहले से बजट था, पहले से सारी सेटिंग्स थी, वो सारा का सारा धरा का धरा रह गया है। तो अगेन वो एक नए सिरे से काम उनको शुरू करना पड़ेगा, अगेन फिर से बजट एलोकेट होगा, और इसमें गाइस वक्त लगेगा। दूसरा गाइस बजट एलोकेट करने के बाद भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसमें प्रोसेस होता है सेंटर एलोकेशन का। गाइज अभी जो हाल फिलहाल में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हम एक ट्रेंड देखें तो एग्जाम के मेन एग्जाम के मात्र 4 या 5 दिन पहले ही वो आपको बताती है कि आपका कौन सा सेंटर है। गाइज सेंटर एलोकेशन भी बहुत ही माथापच्ची का काम है, और अब चूंकि ये फिर से 15 दिनों का लॉकडाउन है या पता नहीं कब तक का ये लॉकडाउन है, तो अभी चीजें अनसर्टेन है, तो अगेन वहां पे भी वक्त लगता है गाइस, वहां पे भी वक्त या टाइम लगेगा। तीसरा गाइस जो क्वेश्चन पेपर्स है, जो आप क्वेश्चन पेपर बना के बड़े मजे से आ जाते हो, क्वेश्चन पेपर को सेट करने के लिए और उसका आंसर इवेल्युएट करने के लिए हमेशा ही रिक्रूटमेंट एजेंसीज हायर की जाती हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी ऐसे ही कुछ आउटसोर्सिंग एजेंसीज को हायर करती हैं और उनसे क्वेश्चंस सेट करवाती हैं और किसी और एजेंसी से उन क्वेश्चन के आंसर्स को जांच करवाती हैं। गाइस याद रहे इनमें टाइम लगता है, और क्वेश्चन पेपर रियल एग्जाम से कुछ ही दिन पहले बनना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, ये सीक्रेट होता है, और ये क्वेश्चन लीक ना करे, है ना। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि ये लॉकडाउन है गाइस, तो जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो अगेन ये सारे प्रोसेस करने होंगे और इनसे गुजरना होगा। इसी में गाइस अगली कड़ी है इनविजिलेटर्स। गाइस हर सेंटर के लिए इनविजिलेटर अलोकेट किए जाते हैं, और तो और अंदर की बात बताऊं तो हर एक इनविजिलेटर से एक अफिडेविट साइन करवाया जाता है कि उनका कोई नोन पर्सन उस सेंटर में एग्जाम नहीं देने जा रहा है। गाइस इन सब ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज के लिए वक्त लगता है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन के कारण एसएससी का जो भी कैलेंडर था, एग्जामिनेशन कैलेंडर, वो कम से कम एटलीस्ट 2 महीने के लिए आगे बढ़ चुका है। यानी कि जो एग्जाम अभी पाइपलाइन में थी वो 2 महीने के लिए कम से कम आगे बढ़ी है, ज्यादा से ज्यादा और भी हो सकती है। लेकिन मेरे समझ से, मुझे जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, जहां तक एक्सपीरियंस है, कम से कम 2 महीने का आपको फर्दर वक्त लेकर प्रिपेयर करना चाहिए। तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, आपको इसी तरह के ढेर सारे नॉलेज मिलते रहेंगे, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है आपको मिलता रहेगा। गाइस टेक केयर, सी यू।